वेल हेलो गाइस, मेरा नाम है लखन। आप देख रहे हैं स्मार्ट लखन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बेस्ट लोन एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूं, जो आपको विदाउट इनकम प्रूफ के लोन प्रोवाइड करेगी गाइस, वो भी 1000 से लेके तो आप 10 लाख तक का लोन अमाउंट इजीली ले पाओगे, उससे ज्यादा का लोन अमाउंट भी आप ले पाओगे। बस वीडियो को गाइस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। मैं आपको वीडियो में एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा, उनके बारे में कुछ मेन डिटेल्स बताऊंगा, अप्लाई कैसे करना है, उन सभी की प्रोसेस की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लॉन्ग वीडियो को वॉच कर लीजिए, ताकि आपको गाइस लोन एप्लीकेशंस में लोन को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपनी लोन एप्लीकेशंस की तरफ। गाइस अभी हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो मैं आपको सबसे पहले एप्लीकेशंस बताने जा रहा हूँ गाइस, वो यहाँ पर स्मार्ट कॉइन पर्सनल लोन ऐप है। ये हमें पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है गाइस, वो भी इंस्टेंटली। तो इसमें गाइस आपको लोन लेने के लिए करना क्या है कि आपको सबसे पहले एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना है, कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेंगे, तो उन डिटेल्स को गाइस आपको एक्सेप्ट करना है और कुछ अपनी डिटेल्स आपको यहां पर फिलअप करनी है। और आप देखोगे गाइस तो आपको इजीली यहां पर लोन मिल जाता है। इस एप्लीकेशंस के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं कि कितने तक का ये हमें लोन प्रोवाइड कर सकती है गाइस। तो ये एप्लीकेशंस हमें इंस्टेंटली जो है गाइस 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर सकती है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल रहते हो तो आपको काफ़ी आसानी से यहाँ पर लोन मिल जाता है गाइस। अगर देखोगे तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ डिटेल्स बता रखे हैं। RBI रजिस्टर्ड NBFC जो है इनके लेंडर है गाइस, मतलब एप्लीकेशंस भी RBI के तो रजिस्टर्ड NBFC है और ट्रस्टेड एप्लीकेशन से। अगर इनके लेंडर्स के बारे में देखोगे तो यहाँ पर इनके लेंडर्स के बारे में बता रखा है गाइस। और भी आप नीचे स्क्रॉल करके देख लीजिए, इसके बारे में कुछ बता रखा है। डिजिटल गोल्ड सेविंग वगैरह है इसमें, तो यहाँ पर इसके बारे में ये कुछ डिटेल्स है। लोन अमाउंट के बारे में एग्जाम्पल वगैरह बता रखा है कि अगर आप यहाँ पर 65,000 का लोन अमाउंट लोगे तो इसमें टेन्योर वगैरह, प्रोसेसिंग फीस वगैरह, इंटरेस्ट रेट या कितना लगेगा, EMI कितनी बनेगी और कितना आपको टोटल रीपेमेंट करना है, उन सभी के बारे में यहाँ पर बता रखा है। उसके साथ में यहाँ पर नाउ रिसीव पर्सनल लोन इन मिनट्स फ्रॉम इंस्टेंट लोन ऐप डिजाइन फॉर भारत, मतलब भारत में ही आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर देगी। इंडिया में काफ़ी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है गाइस। ये एप्लीकेशन आप देख लीजिए, डाउनलोड काफ़ी बढ़िया है इसके, यहाँ पर 10 मिलियन प्लस डाउनलोड से, और रेटिंग आप देख लीजिए गाइस 4.2 की रेटिंग है। अभी गाइस सेकंड वाली एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये है MoneyView पर्सनल लोन ऐप गाइस। ये भी आपको लोन प्रोवाइड करती है, वो भी गाइस आप लोन अमाउंट देख लीजिए कि आपको मिनिमम 5,000 से लेके तो 10 लाख तक का लोन अमाउंट आप यहाँ से इजीली ले सकते हो। जो ड्यूरेशन है यानी कि टेन्योर, वो 3 मंथ से लेके तो 5 ईयर तक का इसका जो ड्यूरेशन है वो हो सकता है। उसके साथ में जो एनुअल परसेंटेज रेट है वो आप देख लीजिए गाइस 16% से लेके 39% तक रहेगा। प्रोसेसिंग फीस आप देख लीजिए 2% से लेके तो 8% तक इसमें प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। नीचे अगर आप देखोगे तो इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स हमें बता रखी है। इजी अप्लाई की प्रोसेस है वो आप देख लीजिए, जिसे गाइस मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको अप्लाई करने की प्रोसेस की वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर भी बता रखा है, जैसे कि आप देख लीजिए सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी प्रोवाइड करनी है। एलिजिबिलिटी 2 मिनट में चेक हो जाती है। आपको लोन अमाउंट वगैरह सेलेक्ट करना है, अगर लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल रहोगे तो लोन अमाउंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। लोन अमाउंट वगैरह सेलेक्ट करना है, टेन्योर सेलेक्ट करना है, KYC को आपको कंप्लीट करना है। इसमें इनकम प्रूफ या कुछ स्टेटमेंट वगैरह ले सकते हैं, कुछ एप्लीकेशंस में आपसे स्टेटमेंट ले सकते हैं गाइस, तो उसे आपको ध्यान में रखना है। अभी इसमें एलिजिबिलिटी देख लीजिए गाइस, क्राइटेरिया क्या है इसमें लोन के लिए, तो वो आप देख लीजिए कि वी ऑफर पर्सनल लोन्स फॉर बोथ, मतलब दोनों को लोन प्रोवाइड करती है, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को। आपकी जो सिविल स्कोर है वो मिनिमम 600 होने चाहिए और एक्सपीरियंस ऑफ 650, आपके एक्सपीरियंस के सिविल स्कोर 650 तक होने चाहिए। और द एज लिमिट इसमें जो रखी गई है वो 21 ईयर से 57 ईयर के बीच में होनी चाहिए। 57 ईयर से आपकी जो एज है गाइस वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ना ही आपकी एज जो है 21 ईयर से कम होनी चाहिए, तभी जाके आपको लोन मिलेगा गाइस। इन बीच में अगर आप होंगे, मतलब 22 ईयर या 21 ईयर के भी आप होंगे, तो लोन के लिए ट्राई कीजिए, आपको इजीली मिल सकता है गाइस। अभी यहाँ पर कुछ डिटेल्स वगैरह बता रखिए, कॉन्टैक्ट के लिए या क्वेरीज के लिए भी आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाती है, तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो, इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, आपकी पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे गाइस ये। उसके साथ में जो नंबर थर्ड पर एप्लीकेशन से वो M-Pocket इंस्टेंट लोन ऐप है। ये भी गाइस आपको इंस्टेंटली लोन प्रोवाइड करती है, अगर आप एलिजिबल रहते हो तो आपको इंस्टेंटली लोन मिल जाता है गाइस, वो भी 45,000 तक का लोन अमाउंट आपको इजीली मिल जाता है। अगर आप एलिजिबल रहते हो तो 45,000 तक का लोन अमाउंट ही आपको इजीली मिल जाता है। उसके साथ में ये एप्लीकेशन स्टूडेंट को भी लोन प्रोवाइड करती है, तो ये और भी बहुत ही बढ़िया बात है गाइस कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप यहाँ से लोन ले सकते हो। लेकिन गाइस स्टूडेंट में आप सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट होने चाहिए तभी आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। क्राइटेरिया आप देख लीजिए, यहाँ पर M-Pocket प्रोवाइड लोन्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट को ही लोन प्रोवाइड करती है।
और सैलरीड प्रोफेशनल को गेट ए पर्सनल लोन एट ए टेक होम इनकम जो है आपकी 9000 होनी चाहिए और उससे ज़्यादा, आपकी जो टेक होम इनकम है वो ज़्यादा होनी चाहिए गाइस 9000 से। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आप देख लीजिए, आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, पैन कार्ड, कॉलेज आईडी कार्ड चाहिए होगा गाइस स्टूडेंट के लिए, और लास्ट 3 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट लगेगा, सैलरी स्लिप लग सकती है, ज्वाइनिंग लेटर लग सकता है, कंपनी या बिजनेस डिटेल्स, इन सभी में से कुछ भी आपसे ले सकता है, तो ये आपको प्रोवाइड करना है। अभी गाइस एक और एप्लीकेशन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जो है गाइस ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन है, ये भी आपको लोन प्रोवाइड करती है गाइस। तो लोन कितने तक का आपको मिल जाता है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। लोन आपको 1000 से लेके तो 1,00,000 तक का लोन अमाउंट मिल जाएगा गाइस, इजिली आप यहाँ से काफी आसानी से लोन ले सकते हो। उसके बारे में 24/7 जो है एक्सेस टू पर्सनल लोन मनी, कभी भी आप लोन को अप्लाई कीजिए, आपको लोन इजीली मिल जाएगा अगर एलिजिबल रहते हो तो। और इसके बारे में यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स आपको दी हुई है, कॉन्टेक्ट के लिए आपको कुछ क्वेरीज के लिए यहाँ पर ट्रू बैलेंस के लिए बता रखा है गाइस, और इनका एड्रेस भी यहाँ पर बता रखा है, तो यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो तो आपकी प्रॉब्लम जो है इजीली सॉल्व कर दी जाएगी। इसी के बारे में कुछ एग्जांपल वगैरह बता रखा है कि इतना लोन लोगे तो इतनी आपको रिपेमेंट करनी है, टेन्योर वगैरह कितना लगेगा, तो उसी के बारे में ये कुछ डिटेल्स है गाइस। अब देख लीजिए आपको यहाँ पर 1000 से लेके 1,00,000 तक का लोन मिलता है, लेवल अप लोन भी आपको मिलता है वो 1000 से 15000 तक मिल सकता है, जो कि आप इजीली देख सकते हो गाइस। रेफर एंड अर्न का सिस्टम भी है, आप रेफर करके किसी को भी पैसे कमा सकते हो गाइस। तो यहाँ पर ट्रू बैलेंस के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, और एक और एप्लीकेशन में आपको बता रहा हूँ गाइस, ये भी काफी बड़ी एप्लीकेशन है, 10 मिलियन प्लस इसका डाउनलोड से 4.4 की रेटिंग है, इसका नाम है गाइस 5 इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप। ये भी गाइस इंस्टेंटली आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, वो भी गाइस 5,00,000 तक का पर्सनल लोन आपको प्रोवाइड करती है। आपको अगर इसमें जो गाइस ड्यूरेशन वगैरह देखोगे, टेन्योर देखोगे, तो आपको 3 मंथ से लेकर तो 36 मंथ तक का इसमें टेन्योर मिल जाता है। 100% डिजिटल एप्लीकेशन से यहाँ पर ये, कोई भी आपको फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन ले जाने की जरूरत नहीं होगी, और आपको कम से कम डॉक्यूमेंटेशन पर लोन मिल जाएगा, कोई भी कोलेटरल रखने की आपको जरूरत नहीं है, और अगर फोर क्लोजर करवाते हो तो आपको कोई भी प्री क्लोजर चार्जेस नहीं रहेंगे। उसके साथ में गाइस इसी के बारे में ये कुछ डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे, जो आप देख लीजिए क्राइटेरिया, आप देख लीजिए जो क्राइटेरिया इंपोर्टेंट होता है गाइस, सैलरीड इंडिविजुअल को ये सिर्फ लोन प्रोवाइड करती है, आपकी जो एज है वो 21 ईयर होनी चाहिए, और आपकी जो टेक होम सैलरी है पर मंथ जो है गाइस 15,000 से ज्यादा होनी चाहिए। और कुछ डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड है वो भी आप देख लीजिए, कि यहाँ पर आपको जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड और सैलरी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट आपको लगेगा गाइस, क्योंकि सैलरीड पर्सन को ही लोन प्रोवाइड करती है, तो जाहिर सी बात है गाइस कि आपको जो यहाँ पर सैलरीड का जो है गाइस यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट लगेगा, मतलब जहाँ पर आपकी सैलरी क्रेडिट होती है उसका बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा। इनके NBFC पार्टनर के बारे में बता रखा है, जो आप इजीली देख सकते हो, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। कॉन्टेक्ट के लिए यहाँ पर सपोर्ट भी दे रखा है, ये आप इजीली देख सकते होगा, इसकी हाउ टू कॉन्टेक्ट अस मोबाइल नंबर और एक मेल आईडी आपको प्रोवाइड कर रखी है। तो 5 इंस्टेंट पर्सनल लोन भी आपको 5,00,000 तक का लोन प्रोवाइड करती है। उसके साथ में गाइस नावी एप्लीकेशन भी काफी बढ़िया है, यहाँ पर नावी एप्लीकेशन को आप ट्राई कर सकते हो, ये आपको 20,00,000 तक का लोन प्रोवाइड करती है गाइस, इंस्टेंट कैश लोन आपको मिल जाता है यहाँ से, आप देख लीजिए गाइस। और ये एप्लीकेशन अभी UPI एप्लीकेशन भी है, तो आप यहाँ से मनी ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो। और इसके बारे में आप देख लीजिए म्यूचुअल फंड वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, कार लोन्स वगैरह, ये सभी आपको यहीं पर मिल जाते हैं गाइस, इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये नावी एप्लीकेशन से गाइस 50 मिलियन डाउनलोड से इसके, और 4.4 की रेटिंग है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, आप इसमें भी लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं गाइस। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप सभी एप्लीकेशन अगर आप एक एक करके ट्राई करना चाहते हो तो वीडियोज़ को प्ले कर लीजिए और लोन को अप्लाई कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे उसमें आप लोन के लिए ट्राई कीजिए। उसके साथ में गाइस एक और एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता दूँ, जो आपको मिनिमम 1000 से लेके या 500 रुपये भी हो सकता है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है गाइस, उसके बाद में मैक्सिमम जो है आपको 50,000 तक का लोन अमाउंट प्रोवाइड कर सकती है। फिलहाल यहाँ पर उन्होंने अभी उसे बढ़ाकर 1,00,000 बता रखा है, यहाँ पर अभी आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन जो है 1,00,000 तक का लोन प्रोवाइड कर सकती है ये एप्लीकेशन। लोन का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और जो इसका टेन्योर है गाइस वो भी काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है, जो मिनिमम टेन्योर है वो 62 डेज का है, और जो मैक्सिमम है वो 6 मंथ तक का है। और जो इसमें इंटरेस्ट रेट लगेगा गाइस वो 2% से लेके तो 30% तक का रहेगा, वो डिपेंडिंग करता है रिस्क प्रोफाइल पर, कि आपकी प्रोफाइल कैसी है गाइस कस्टमर की, उसके हिसाब से। यहाँ पर आप नीचे देख लीजिए ये एप्लीकेशंस भी RBI के द्वारा रजिस्टर्ड NBFC है, सिक्योर एप्लीकेशन से यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। नीचे आप आके देख सकते हो इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स है गाइस। यहाँ पर अगर आप एक स्टूडेंट भी हो तो इसमें ट्राई कर सकते हो, आपको यहाँ से लोन इजीली मिल जाता है गाइस, लगभग सभी को ये लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन हो सकता है कुछ को लोन प्रोवाइड ना करे, पर फिर भी गाइस आप इसमें लोन के लिए एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है
तो ये एप्लीकेशंस आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है गाइस। और इसकी भी अप्लाई की प्रोसेस की जो वीडियो है गाइस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो गाइस मैं आपको सभी एप्लीकेशंस के बारे में बता चुका हूँ। अभी गाइस लोन लेना है या नहीं लेना है, किस एप्लीकेशन से लोन लेना है, ये गाइस आप पर डिपेंड करता है। और अगर आपने सभी में ट्राई कर लिया है तो आप ब्रांच एप्लीकेशंस में ट्राई कर सकते हो, ये एप्लीकेशंस आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर सकती है गाइस। और अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहे।